में और यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले राहुल गांधी, उन्होंने रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया और इस मौके पर पीएम मोदी समेत बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भारत जोड़ो यात्रा का भी उन्होंने जिक्र किया और चीन का जिक्र करते हुए केंद्रीय विदेश मंत्री पर तंज कसते हुए नजर आए राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया राहुल गांधी ने इस मौके पर। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी बोले और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी शक्तिशाली लोगों के सामने सावरकर की तरह झुक जाती है। इस तरह के आरोप लगाए चीन को लेकर के मोदी सरकार पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने। सरकार की सोच के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? लड़ाई इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। सावरकर की विचारधारा अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है मजबूत है तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। हिंदुस्तान के मंत्री कह रहे हैं, हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? जो आपसे कमजोर है उसको आप मारो और जो